अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी के एम प्रकाशन बुक के बीजगणित को स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी के एम प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज 206 नंबर प्रश्न। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग लाइक ना करते हैं और ना ही कॉमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, लाइक कॉमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 206 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है ए प्लस बी इक्वल टू 3। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 9ab माइनस 27 का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो ab इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इधर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसको इससे गुना करेंगे। तो इससे गुना करने से पहले ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9ab, और ये 27 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 27, और इधर क्या बचेगा, 0। यानी कितना का मान पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 9ab माइनस 27 बराबर क्या आया, 0। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 0, 3 नंबर। आगे 207 प्रश्न है x प्लस 1 अपन x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/1, यहाँ 1/1 तो 1 नहीं होगा, 1 मिलकर 2 हो गया। तो जो भी पूछा है, x टू दी पावर 7 प्लस 2 टू दी पावर x पे पावर 6, तो यहाँ 1 पे पावर 7 1 नहीं होगा, नीचे भी 1 डालेंगे तो 2/1 होगा, तो 2 ही रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 3। ओके, आगे 208 प्रश्न है ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, बी से बी कटेगा तो ऊपर में ए स्क्वायर, नीचे में ए से ए कटेगा तो बी स्क्वायर बराबर 1। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ए बी इंटू 1, तो ए बी ही रहेगा। और इसको अगर एक साइड में लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए बी को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में ए बी बराबर 0। यानी कितना का वैल्यू क्या आया, 0। तो यहाँ पे हम डाल सकते इतना के जगह पे 0, आई इंटू में है ए इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के साथ कुछ भी 0 के साथ गुना होगा तो वो क्या देगा, डिजिट 0 ही देगा। सो राइट आंसर 2 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 209 प्रश्न है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का संख्याओं का तीसरा अनुपात क्या होगा, सो बताना है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात यानी कि सी, सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, सी स्क्वायर सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर आई बाई ए, ये होता है तृतीय अनुपात निकालने का। मैंने जब अनुपात सम अनुपात पढ़ाया था तो आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है, क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए। चलिए b कितना दे रखा है, तो b ये इतना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पर पावर स्क्वायर डालना है तो सबसे पावर में 2, अब बट्टा में क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना तक समझ गए। चलिए अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए, इस वाले पावर को हम लोग इसके साथ गुना कर देते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और ये पावर जो है पावर ऊपर में गुना हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 4, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और देखिए ये 2 बार है, x माइनस वाई कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इस प्रकार 2 बार, ठीक है, x माइनस वाई, इतना तक समझ गए। अब चलिए अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू में एक्स माइनस वाई टू दी पावर 4, और नीचे में जो भी था इसको इसी प्रकार रहने देते, एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो ये पावर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू में एक्स माइनस वाई टू दी पावर 2, यही आएगा। चलिए एगो आएगा 4, एगो आएगा माइनस 2,
तो देखिए 4 और 2 कहाँ हैं, तो x प्लस वाई पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई पे पावर 2, दो नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 210 प्रश्न है, एक्स बाई वाई पे पावर 5a-3 बराबर वाई बाई एक्स पे पावर 17-3a, ठीक है। तो a का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो a निकालने के लिए पहले इस दोनों का बेस बराबर करना होगा, तब ना बेस बराबर करेंगे तो पावर भी बराबर होगा। तो यहाँ है एक्स बाई वाई, यहाँ है वाई बाई एक्स, तो बेस तो बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स बाई वाई है, यहाँ वाई बाई एक्स है, तो इसको भी एक्स बाई वाई करना होगा। तो देखिए एक्स बाई वाई करेंगे तो क्या होगा, यदि इसको जब हम लोग ऊपर में एक्स नीचे में वाई करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग पलटी मारेंगे तो यहाँ जो साइन है वो देखिए, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 3a-17 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट पलट जाएगा, 3a पहले आ जाएगा या 17 माइनस में आ जाएगा, या फिर हम लोग इस प्रकार करते हैं कि पावर में जो होता है ना माइनस आ जाता है, पावर में क्या आता है माइनस आ जाता है, जब हम लोग पलटी मारेंगे तो पावर में क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस को 17 से करेंगे तो -17 माइनस माइनस प्लस 3a हो जाएगा। तो 3a को पहले लिख लिए, 17 को बाद में लिख लिए, अब इधर भी एक्स वाई वाई, इधर भी एक्स वाई वाई, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 5a-3 बराबर 3a-17, 3a इधर आएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2a, और ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो माइनस का 14, 2 से ये कटेगा 7 बार में, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 7, ऑप्शन में देखिए एक नंबर। ओके आगे 211 प्रश्न है, x² + 1y² का वैल्यू दे रखा है 7/4, आपसे पूछा है x³ + 1/x³, तो इसको अगर निकालने के लिए हम लोग यहाँ से x + 1/x निकालना होगा, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस का 2x × 1/x लिखना होगा बराबर 7/4, इससे ये कट जाएगा, यानी कि x + 1/x जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 2 उधर जाकर जुड़ेगा तो 7/4 + 2, 4 × 2 = 8, 7, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो x + 1/x कितना आएगा, √15, और 4 का रूट निकलेगा तो 2। अब हमको निकालना है क्या q, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जो जानते हैं उस पर पुट कर देंगे, k³ - 3k डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या k³ - 3k, तो k³ यानी कि √15/2 का क्यू माइनस 3√15/2, यही होगा, 15 का रूट हो जाएगा 15√15, अब बट्टा में 2 का क्यू 8 माइनस का 3√15/2, 8 और 2 के एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही होगा, यहाँ पे 8 तो 15√15 माइनस, यहाँ से 2 × 4 = 8 तो 4 × 3 = 12√15, यानी कि घटाएंगे 15 में से 12 तो 3√15, अब बट्टा में क्या आएगा 8, यानी कि 3√15/8, देखिए 3√15/8, 3√15/8 तीन नंबर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, देखिए 212 क्या करता है प्रश्न। प्रश्न है x³ + 1/x³ + 32 × 1x³8 + 1/x³8 × x-1/x, इसी प्रकार दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए x³ = 32 + 1/x³ = 32 है, इंटू में x⁻8 को रहने देते, 16 को लिख लेते हैं पहले, x⁻16 + 1/x⁻16, फिर देखिए यहाँ पे x-1/x, यहाँ x + 1/x, यानी कि a + b × a - b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे है x⁴ + 1/x⁴ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको लिखा पहले, फिर इसको लिख लिया, इसको तो इसको इस प्रकार लिख लिया, ये को 8 बचा हुआ था, ठीक है, तो x⁸ + 1/x⁸। ओके अगर हम लोग क्या करें कि देखिए हमको यहाँ पे x² + 1/x² तो मिल चुका है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे 4, इसको कर सकते हैं, बेस सेम होगा तो पावर नहीं, ये तो बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए इसके बट्टा में कुछ मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं क्योंकि बट्टा में 1 रहता ही रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x³ + 1/x³, ऊपर में x⁻16 + 1/x⁻16, इस 8 वाले को लिख लेते हैं x⁻8 + 1/x⁻8, यहाँ x⁴ + 1/x⁴, यहाँ x²-1/x², और यहाँ पे अपने मन से क्या करते हैं x² + 1/x² से गुना कर लेते हैं,
क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर से गुना किए हैं, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो देखिए नीचे और ऊपर में जब गुना करेंगे तो इसमें एक से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर, यानी कि ए प्लस वन बाई ए और ए प्लस सॉरी ए प्लस वन बाई ए और एक्स प्लस माइनस वन बाई ए, मतलब कि यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्न पे बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते, देखिए इधर से लिखते हुए आ रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन अपन एक्स टू दी पावर फोर इस दोनों को, और यहाँ पे पहले से एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर फोर मौजूद है। तो इस दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे, देखिए अभी हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो इसको लिख सकते एक्स टू दी पावर एट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स टू दी पावर एट ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स टू दी पावर एट प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर एट मौजूद है, तो फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर सिक्सटीन प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर सिक्सटीन ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस में होगा ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो इतना आएगा, और इतना के साथ फिर इसको गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर सिक्सटीन प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर सिक्सटीन, देखिए मैं गुना करते ही चल रहा हूँ ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो बत्तीस आएगा, थर्टी टू माइनस वन अपन एक्स पे पावर थर्टी टू, और फिर यहाँ भी है एक्स पे पावर थर्टी टू प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर थर्टी टू, थर्टी टू थर्टी टू, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बत्तीस बत्तीस चौंसठ और माइनस वन अपन एक्स टू दी पावर सिक्सटी फोर, और बट्टा में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, यही बचा एक्स पे पावर चौंसठ माइनस वन अपन एक्स पे पावर चौंसठ बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन अपन एक्स स्क्वायर, जो कि दो नंबर है ठीक है। तो समझ गए क्या किया गया इसमें, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 213 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट दस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपसे पूछा है x माइनस वन अपन एक्स बराबर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे x से दोनों साइड में भाग करेंगे ठीक है। तो यहाँ से एगो x से एगो x कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो x प्लस वन अपन एक्स कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो टू रूट दस आ जाएगा ठीक है। हमको बताना है माइनस में, तो हम लोग इसको अगर हम लोग माइनस में निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का टू एक्स इंटू वन अपन एक्स ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी सॉरी इसको अगर हम लोगों को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, चलिए इसी को हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ प्लस का टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बराबर, इधर क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर चार गुना में दस चालीस, इससे ये कट जाएगा, यानी कि चालीस दो घटेगा तो अड़तीस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया थर्टी एट। हमको बताना है माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आएगा क्या माइनस का टू, तो यहाँ पे प्लस का टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बराबर थर्टी एट ठीक है। ये एक्स से ये एक्स जाएगा दो उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में छत्तीस, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर छत्तीस होगा, तो ये रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट छत्तीस का रूट छः, यानी कि आंसर क्या होगा छ ऑप्शन नंबर दो ठीक है। आगे बढ़ेंगे 214 प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सबको एक्स से भाग कर दीजिए ठीक है, यहाँ से ये इससे ये, यानी कि एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये थ्री उधर जाएगा तो प्लस का थ्री, आपसे पूछा है एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स टू दी पावर फोर, यानी कि इसका क्या होगा सूत्र, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस टू, तीन के स्क्वायर नौ में से दो जाएगा तो सात होगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस टू कितना आया सात, अब फिर आपको बताना है फोर, तो इसको एक बढ़िया और स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स टू दी पावर फोर कितना जाएगा, फिर यहाँ वही सूत्र लगेगा के स्क्वायर माइनस टू, सात का स्क्वायर उनचास में से दो जाएगा तो कितना आएगा फोर्टी सेवन, यानी कि राइट आंसर क्या होगा फोर्टी सेवन एक तीन नंबर ठीक है, यहाँ तीन होगा मिस प्रिंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 215 प्रश्न है, x टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन x टू दी पावर 4 बराबर 34, आपसे पूछा है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू बताना है कि क्या होगा, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको x माइनस वन अपॉन एक्स पता होना चाहिए, तो x माइनस वन अपॉन एक्स यहाँ से निकलेगा, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस का टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स
बराबर कितना हो जाएगा 34, इससे ये कटेगा ठीक है, ये दो उधर जाकर घटेगा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 का रूट, ये स्क्वायर आएगा तो रूट। अब इसको अगर हम लोग माइनस का टर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2x इंटू वन अपन एक्स यहाँ स्क्वायर होता ठीक है, 36 का रूट 6, इससे ये कट जाएगा, दो उधर जाएगा ठीक है, दो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि x माइनस वन अपन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट निकलेगा तो 2, ये स्क्वायर चढ़ेगा, ये दो पहले घट जाकर घटेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 रूट, ये स्क्वायर चढ़ेगा तो 4 का रूट 2, यानी कि x माइनस वन अपन एक्स बराबर क्या हो गया 2, तो के क्यू इसका सूत्र जो होता है के क्यू प्लस 3 के, माइनस है तो प्लस में जाएगा ठीक है, के क्यू प्लस 3 के, के क्यू दो का क्यू 8 प्लस 3 के 3 दूना 6, 8 6 कितना होगा 14, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 14, 4 नंबर ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 216 क्या कहता है, प्रश्न है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, आपसे पूछा है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू वाट ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे माइनस लाना है ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लाना है, तो माइनस कैसे आएगा, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे, 7 इधर अगर जोड़े हैं तो 7 बराबर के उधर भी जोड़ना होगा, जो काम बराबर के इधर वही काम बराबर के उधर, तो इधर भी 7 को जोड़ दिए। अब हम इस बार यह क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू में वन अपॉन एक्स प्लस 7 बराबर 7 का स्क्वायर 49, इससे ये कटेगा, दो उधर जाकर घटेगा, 49 में से 2 जाएगा तो 47 हो जाएगा, यानी कि x प्लस अब इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा घटा कर लिख लेते हैं 47 ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस के टर्म में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस 7 माइनस का 1 अपॉन x प्लस 7 का होल स्क्वायर ठीक है, अगर माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा प्लस का 2, क्या करना होगा प्लस का 2, एक्स प्लस 7 इंटू वन अपन एक्स प्लस 7 लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा ये 2 ही बचेगा, तो ये क्या आएगा माइनस का ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखे तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस में ही होगा, देखिए सूत्र जो होता है इसको अगर हम लोग फार्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 एक्स इंटू वन अपन एक्स तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इतना ही बचता है ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 7 माइनस वन अपन एक्स प्लस 7 और ये 2 उधर जाकर घटेगा तो 47 में से 2 जाएगा 45 और ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा 45, यानी कि 45 हो गया 15 तिये 45, तो इसको हम लोग रूट में निकाल सकते हैं, 15 गुना में 5 गुना 3 गुना में 3 यानी कि 9 पचे 45, 9 गुना में 5 लिख सकते हैं, 9 का रूट 3 रूट 5 हो जाएगा इधर ठीक है। अब हमको इतना तो आ गया लेकिन इस 7 को हटाना है तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 7 और इस 7 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3√5 और माइनस का हो जाएगा 7, तो 3√5 माइनस का 7, 3√5 माइनस का 7 दो नंबर ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 217 क्या कहता है, प्रश्न है ए टू दी पावर 4 प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर इंटू में 4 बी ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a बराबर b बराबर 1 को पुट करेंगे, a बराबर b बराबर 1 को, तो यहाँ a पे पावर 4 है तो एक ही रहेगा और प्लस में 1, तो यहाँ पे हो गया क्या इधर हो जाएगा 2, इधर भी पुट करेंगे तो 1/1 एक ही रहेगा, यहाँ 4, यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 एकम 2 बराबर 2, यानी कि हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर गया a बराबर b बराबर 1 लेने पे ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या कर रहा है बराबर है तो दोनों साइड बराबर हो गया ठीक है। अब हमसे पूछा है a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4, तो एक के पे पावर 4 एक के रहेगा फिर b पे पावर मतलब एक के पावर 4 एक के रहेगा, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा 2, सो राइट आंसर 2, 2 नंबर ठीक है। आगे सॉरी 1 नंबर, देखिए 218 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है 3 इंटू में 1 माइनस ए बाई ए प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3 रूट ए बाई 1 माइनस ए, तो ए का मान बताना है कि क्या होगा, तो ए का मान के लिए क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, जो ऑप्शन हमारा दे देगा अब दोनों साइड बराबर वो मेरा आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, पहला 3/10 लेते हैं तो ठीक है 3 इंटू में
रूट है तो रूट वन माइनस एक की जगह पर ला लेंगे थ्री बट्टा दस, बट्टा में थ्री बट्टा दस, और रूट से बाहर भी निकलना चाहिए, रूट से बाहर निकलेगा तभी होगा नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर आना चाहिए। दस एकम दस में से तीन जाएगा तो यहाँ सात आएगा, सात जिसका रूट नहीं निकलता है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए करके थ्री इंटू में क्या है एक बट्टा दस, तो एक माइनस एक बट्टा दस करेंगे दस एकम दस में से एक जाएगा नौ, नौ का रूट निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है, और प्लस का नौ है तो नौ बराबर, इधर अगर करेंगे तो क्या जाएगा उन्नीस माइनस थ्री रूट क्या है एक बट्टा दस, और बट्टा में एक माइनस एक बट्टा दस यही होगा, ठीक है, तो थ्री इंटू में इधर दस एकम दस में से एक जाएगा तो नौ बट्टा दस, और ये दस बट्टा एक हो जाएगा, ये रूट है, अब प्लस का नौ है तो नौ बराबर, इधर उन्नीस माइनस थ्री इंटू में इधर हो जाएगा एक बट्टा दस, और ये ऊपर में दस एकम दस, दस बट्टा में नौ आएगा, ठीक है, दस एकम दस में से एक जाएगा तो यही बचेगा, यहाँ दस से दस रूट नौ का रूट तीन, तीन तिहाई कितना जाएगा नौ प्लस नौ बराबर, इधर उन्नीस माइनस थ्री रूट यहाँ दस से दस एक बट्टा नौ का मतलब एक बट्टा तीन, तीन से तीन, ठीक है, तो एक बार में नौ नौ अट्ठारह, और उन्नीस में से एक जाएगा तो अट्ठारह, अट्ठारह बराबर अट्ठारह मिल गया, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए ऑप्शन से। चलिए आगे बढ़ेंगे 219 देखिए क्या है प्रश्न, प्रश्न है ए प्लस बी इक्वल टू दस दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछा क्या, नहीं आपको एक और चीज़ दे रखा है ए बाई बी माइनस थर्टीन बराबर माइनस का बी बाई ए माइनस का ग्यारह, ठीक है, तो आपसे पूछा है इतना का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है, इसको तो हमको प्रोसेस ही करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ मान कर चलना होगा, तो a बाई बी बराबर x ले लीजिए, और इसी चीज़ को पलट दिया है, क्या किया है यहाँ पे b बाई ए कर दिया है, तो इसी चीज़ को पलटेंगे b बाई ए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे बाद में, ठीक है, ये तो हमको a और b दिया है, हम इसको माने थे ना, तो रूट अंडर a बाई बी को क्या माने हैं एक्स माइनस थर्टीन बराबर माइनस का वन अपॉन एक्स और माइनस का ग्यारह, इसको इधर लाएंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये तेरह उधर जाएगा तो ग्यारह में से तेरह जाएगा तो दो बचेगा, इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर होगा सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा तो एक, और ये टू एक्स इधर आएगा तो टू एक्स और प्लस का वन इक्वल टू जीरो, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन, एक्स का वैल्यू क्या आ गया वन, तो वन पुट करेंगे तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे वन पुट करेंगे तो रूट अंडर ए बाई बी बराबर वन स्क्वायर, ये रूट आएगा तो ए बाई बी बराबर वन ने रहेगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू ए का होगा वही वैल्यू बी का होगा, तो हमको दे रखा है ए प्लस बी यानी कि दस, तो जो वैल्यू ए का होगा ये भी पाँच होगा ये भी पाँच होगा तब ना दोनों मिलकर दस होगा, तो ए और बी का वैल्यू क्या हो गया पाँच पाँच, अब हमसे क्या पूछा है थ्री ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर यही पूछा है, ठीक है, चलिए थ्री इंटू में पाँच गुना में पाँच पच्चीस प्लस चार गुना में पच्चीस प्लस पाँच गुना में पच्चीस, अब देखिए पच्चीस तिहाई पचहत्तर पच्चीस चौका सौ पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस पचहत्तर दो सौ और एक सौ तीन सौ, क्वेश्चन का राइट आंसर तीन सौ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 220 प्रश्न है वन बाई आर प्लस वन बाई एस का मान ज्ञात कीजिए यदि आर क्यू प्लस एस क्यू बराबर, अच्छा आर क्यू प्लस एस क्यू बराबर नहीं दे रखा है और आर प्लस एस बराबर छः दे रखा है, ठीक है, तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हमको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आर क्यू प्लस एस क्यू का वैल्यू ही नहीं दे रखा है और आर प्लस एस दे रखा है, तो आर प्लस एस का मतलब हमको छः दे रखा है लेकिन इतना का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए इसका कुछ ना कुछ हमको मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, तो इस प्रश्न को हम छोड़कर बढ़ेंगे आगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि आर क्यू प्लस एस क्यू हमको क्या दे रखा है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 221 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर बराबर 98, तो आपसे पूछा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसको करने के लिए आपको इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस का टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 98,
इससे ये कटेगा, ये दो उधर जाकर जुड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, और ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, इसको हमको किस टर्म में लिखना है, माइनस का टर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 2x इंटू वन अपन एक्स बराबर 100 का रूट 10। इससे ये कटेगा, दो उधर जाकर घटेगा, यानी कि x माइनस वन अपन एक्स बराबर 8 आएगा और ये रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 का मतलब क्या, 2√2। ठीक है, रूट अंडर 8 का मतलब 2√2, दो नंबर। ओके, आगे देखिए 22, 2222, 1 माइनस एक्स पे पावर p माइनस क्यू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर क्यू माइनस पी। देखिए पावर में जो है ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि 1 बाई, देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। ये प्रश्न हम लोग घातांक एवं पढ़नी में पढ़े थे, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर पी बट्टा में एक्स टू दी पावर क्यू। देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो पी माइनस क्यू लिख दिया था। ठीक है, और इसी चीज़ को इधर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर क्यू बट्टा में एक्स टू दी पावर पी, दोनों का बेस सेम होगा था पावर घट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, सॉरी चलिए थोड़ा सा लंबा ही जाएगा, ठीक है, मतलब कि प्रोसेस है एक्स का है और एक्स, तो एक्स क्यू हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इससे तो एक्स क्यू माइनस क्या एक्स पे पावर पी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब ऊपर में वन है तो वन प्लस, इधर भी हो जाएगा एक्स पे पावर पी माइनस एक्स का क्यू, अब बट्टा में इधर हो जाएगा एक्स टू दी पावर पी। ठीक है, इसी चीज़ को ये पलटी मारेगा तो एक्स पे पावर पी, सॉरी क्यू है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या बचेगा एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी, और ये इधर जाएगा तो x पे पावर p बट्टा में x पे पावर p माइनस x पे पावर q। ठीक है, यही इतना बचेगा। अब देखिए हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे q है, यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ q है, कुछ चेंजिंग है, तो अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर q बट्टा में x पे पावर q माइनस x पे पावर p, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि x पे पावर p तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, सॉरी यहाँ पे p। अब इस दोनों का देखिएगा तो बेस दोनों का मतलब कि बराबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर क्यू माइनस एक्स पे पावर पी, इतना से ये कटेगा तो ऊपर में एक्स पे पावर क्यू आई, इससे ये कटेगा तो एक्स पे पावर पी, इससे ये कट जाएगा तो वन बार में, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वन, दो नंबर। ठीक है, तो ये एलसीएम का प्रश्न था, और थोड़ा सा आपको घातांक करने का नियम पता होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 223 प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है x प्लस वन अपन एक्स बराबर 3√2, आपसे पूछा है एक्स टू दी पावर 5 प्लस वन अपन एक्स टू दी पावर 5, तो इसको निकालने के लिए आपको निकालना होगा एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स क्यू, एक बार निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देना होगा x प्लस वन अपन एक्स, तो आपका क्या निकल जाएगा x पे पावर 5 प्लस वन अपन x पे पावर 5। तो इसको निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, के क्यू माइनस 3k, इसका क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, और इसका तो माइनस में घटा देना है 3√2, तो 3√2 क्यू कितना का वैल्यू, तो 3√2 है। चलिए के क्यू यानी कि इसको मानते हैं कि 3 का क्यू 27√2, 27 × 54√2 रहेगा, और माइनस का 3 के, तो 3 × 9√2 इंटू में के स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 18 माइनस 2 माइनस 3√2, 27 54 में से 9 जाएगा तो 54 में से 9 जाएगा तो 5 × 4 = 45√2 इंटू में 18 में से 2 जाएगा तो 16 माइनस का 3√2, 16 × 25 = 80 में से 3 जाएगा तो 77 बचेगा, यानी कि हासिल 8 रहेगा, 16 × 4 = 64 और 8 = 72 में से 1 यानी कि 71√2, तो √2 देखिए 16 × 25 = 80 यानी कि 420 आएगा, 720 में से 3 घटाएंगे तो 717√2 जो कि 4 नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 224 x पे पावर 4 प्लस 1 अपन x पे पावर 4 बराबर 198, पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर 198।
ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दो उधर जाकर घटेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दो घटेगा तो 196 हो जाएगा, और रूट चढ़ेगा, यहाँ स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, 196 का रूट होता है 14, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना निकल कर आएगा, 14, एक नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।